अच्छा जी, तो अब तक हमने 7 चैप्टर्स लिनक्स की बुक में से कवर कर लिया, काफ़ी इन डेप्थ में भी चीज़ों को रिव्यू कर लिया। होपफुली आप लोगों ने सब प्रैक्टिस किया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम दो टॉपिक्स पे करेंगे, एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है और सिक्योरिटी लिनक्स पे, और दूसरा आप के लिए जो शेल स्क्रिप्टिंग होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आज हम कवर करते हैं और लिनक्स को कंक्लूड करते हैं। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 8 एंड बेसिक एडमिन सिक्योरिटी। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब स्टार्ट होती है बात, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। हमने अपना लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है, उससे हम कंफर्टेबल भी हो गए हैं, कमांड लाइन पर भी काम करना आ गया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो एडमिन की चीज़ें हैं, कुछ सिक्योरिटी की चीज़ें हैं। तो इस वक्त हम ये देखते हैं कि अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो आपको दो चीज़ें देखनी हैं, होस्ट एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं आपके सिस्टम पे, तो जो आपकी यूज़र डायरेक्टरीज हैं, जो फाइल्स हैं, वो सिक्योर होनी चाहिए और वो हर यूज़र के पास एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी है, आप उसके सीईओ हैं, आपके पास तो फिर ऑब्वियसली सारा डेटा एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर डिसीजन मेकर को नहीं पता है कंपनी में क्या हो रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन जो बाकी के जो लोग होते हैं, वो अपने अपने एरियाज में साइलोड होते हैं, राइट? जैसे अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो देयर ओनली कंसर्न इज द फाइनेंस, अगर कोई मार्केटिंग में है तो देयर ओनली कंसर्न इज मार्केटिंग, अगर कोई एचआर में है तो देयर ओनली कंसर्न इज एचआर, फिर अगर सॉफ्टवेयर टीम है तो देयर ओनली लुकिंग एट द सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। तो जो भी आपकी जिस भी ग्रुप के अंदर आप हैं, उसके हिसाब से आपके पास कुछ एक्सेस परमिशंस होती है, राइट? क्योंकि आप अगर आप आईटी कंपनी है तो आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फाइनेंस का डेटा का तो एक्सेस नहीं देंगे, राइट? किसी एम्प्लॉय को एचआर सिस्टम्स का एक्सेस तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट यूर इन, आपको उस हिसाब से सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सर्टेन प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है? कि आपका एक ग्रुप है, आपको उसी ग्रुप के हिसाब से एक्सेस होना चाहिए, ठीक है? तो एक तो ये ग्रुप का हो गया, दूसरा ये हो गया कि आपके पास कुछ इंडिविजुअल लेवल का भी एक्सेस होगा कि चले आप अगर इवन विद इन अ डिपार्टमेंट अगर देखते हैं, तो लेट सपोज के आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में और आप CFO हैं, तो आपके पास कंप्लीट विजिबिलिटी होगी ऑन एवरीथिंग। बट अगेन फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आपके पास सब डिविजन्स भी हो सकते हैं, राइट? यू कैन हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो फिर जो एम्प्लॉयज फाइनेंस में काम कर रहे होंगे, देर ऑल deployed to a certain project, ठीक है? तो depending on the level of access required, या तो उनको पूरे group के file system में access होगा, या उनको किसी particular file या folder पे individual level पर access होगा, ठीक है? तो this is how we look at access, ठीक है? कि जो आपका organizational structure है, need to know basis होता है, right? कि अगर आपको ज़रूरत है कुछ किसी डेटा को एक्सेस करने की, तो ओनली देन यू विल हैव दैट एक्सेस, ठीक है? अच्छा, तो ये तो आपका वो हो गया कि आपके पास कौन कौन यूजर एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारे कंप्यूटर्स इंटरनेट पे एक्सेसिबल होते हैं, स्पेशली जब आप सर्वर्स की बात कर रहे हैं, तो वो तो क्लाउड पर है, ऑब्वियसली इंटरनेट पे कनेक्टेड है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो क्लाउड पे एप्लीकेशन या डेटा अपना स्टोर करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आपके जो यूजर्स हैं वो उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपका डेटा वेरियस APIs के थ्रू कॉल कर रहे होंगे एंड गेटिंग एक्सेस टू देयर इंफॉर्मेशन। तो
हमें इंटरनेट पे जो बाकी के जो यूजर्स हैं उनसे भी बचाना है, ठीक है? तो ये वाली जो चीजें हैं इनको हम चैप्टर 8 में कवर करते हैं। अच्छा, तो बेसिक सिस्टम एडमिन, देखिए जैसे हमारे पास विंडोज और मैक के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए टूल्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास लिनक्स के अंदर भी हैं। ये ग्राफिकल बेस्ड है, जैसे अगर आप यूबंटू यूज कर रहे हैं तो आपके पास ग्राफिकल टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडिंग एंड रिमूविंग यूजर अकाउंट्स। अगर आपने कोई नया यूजर क्रिएट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए भी जीयूआई ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है उसके लिए भी जीयूआई ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको हार्डवेयर के ऊपर जो जैसे डिवाइस मैनेजर टाइप की चीज़ें होती हैं वो भी अवेलेबल है। अगर आपने कोई न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो उसका पूरा जो इंस्टॉलेशन विजर्ड आता है वो भी है। परफॉर्मेंस के ऊपर आपके पास टूल्स होते हैं, राइट? विंडोज में भी होते हैं, मैक में भी होते हैं। जैसे आपका टास्क मैनेजर हो गया, उसके अंदर सारे प्रोसेसेस वगैरह आ रहे होते हैं और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है, और फिर आप उन चीज़ों की सेटिंग्स भी जाके एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग अप एंड मॉनिटरिंग सिक्योरिटी आर सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूट्स, राइट? तो ये जितने भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, विंडोज में भी आपके पास इसके लिए ग्राफिकल इंटरफेस होता है, जो आप नॉर्मली कौन सा सेटिंग्स होती हैं या व्हाट इज इट कॉल्ड विद इन विंडोज। यहाँ पर मैक पे मेरे पास सिस्टम प्रेफरेंसेस हैं, जिसके अंदर आई विल हैव लाइक ऑल द डिफरेंट ऑप्शंस, राइट? आई विल हैव ऑल द डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल। इसके अंदर मैं जाके आई कैन कंट्रोल एनी सेटिंग, तो मैं यूजर्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। आई कैन कंट्रोल लाइक एनी लेवल ऑफ एक्सेस, मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आपके पास लिनक्स के अंदर इसी तरह से आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए कुछ टूल्स है। तो ये तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, दिस इज फॉर डिफरेंट वर्जन ऑफ लिनक्स। ये यूबंटू पे हमारे पास सिस्टम सेटिंग्स होती हैं, जो सेटिंग्स की स्क्रीन होती है, इट्स जस्ट लाइक जैसे मेरे पास मैक पर ऐसी तरह का है कुछ, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट सिस्टम के प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है? तो इस स्क्रीन से आप जाके विजिबली देख के कुछ काम कर सकते हैं, ताकि आपके पास एक ग्राफिकल इंटरफेस है। दिस इज फेडोरा। अच्छा, तो वो तो जी यू आई साइड का हो गया, वी आर नॉट रियली इन दिस क्लास फॉर दैट। हम तो कमांड लाइन और इस वाली चीज़ों के लिए, तो जी यू आई को तो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, वो पूरी स्क्रीन हैं, वो आप जाके फ्री टाइम में उसको चेकआउट करेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस में। हम जब अपने सिस्टम को मॉनिटर करते हैं तो हमारे पास कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम सीपीयू और मेमोरी यूसेज चेक करते हैं कि हमारे प्रोसेसर कितना यूज़ हो रहा है और हमारी मेमोरी कितनी एलोकेट हो गई है, ठीक है? अच्छा, ये इजीली हम कर सकते हैं यूजिंग द टॉप कमांड। टॉप कमांड हमने पहले भी देखी थी, यहाँ पर अगेन देख लें। तो जब टॉप कमांड आप रन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आती है जिसके अंदर आपके पास वेरियस डिफरेंट इंफॉर्मेशन आती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पास एक प्रोसेस आईडी आ जाती है और आपके पास ये सीपीयू परसेंट सीपीयू एंड परसेंट मेमोरी भी आ जाती है कि हाउ मच ऑफ योर सीपीयू ये प्रोसेस यूज कर रहा है एंड हाउ मच ऑफ द मेमोरी ये प्रोसेस यूज कर रहा है, ठीक है? एवरी 5 seconds टॉप कमांड जो है वो रिफ्रेश होता रहता है और ये फिक्स हो जाता है आपकी स्क्रीन पर आके, राइट? तो क्योंकि रिफ्रेश हो रहा है, इससे अगर आपने एग्जिट करना है यू कैन प्रेस द क्यू की ऑन योर कीबोर्ड और आप एग्जिट हो जाएंगे, वापस कमांड लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, हाँ, ऊपर आपके पास कुछ समरी भी चीज़ें होती हैं कि व्हाट डू यू हैव रनिंग, कितने प्रोसेसेस स्लीप कर रहे हैं, कितने प्रोसेसेस स्टॉप्ड हैं, एक टोटल
परसेंट सीपीयू भी आ गया, मेमोरी भी होता है यहाँ पे, देयर यू गो, यू हैव द मेमोरी स्टैट्स, कितना फ्री है, कितना यूज हो गई एंड सो ऑन, ठीक है. हाँ, यहाँ एक और चीज आपके पास मेमोरी भी है और स्वाप भी है. अच्छा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्वाप. मेमोरी आपकी फिजिकल रैम है, जो आपकी जो रैम के जो कार्ड लगे होते हैं, दैट्स योर मेमोरी व्हिच इज इन व्हाटएवर गीगाबाइट्स. तो दिस लुक्स लाइक व्हाट, थ्री मिलियन किलोबाइट्स कितनी गीगाबाइट्स होंगी, तीन मिलियन डिवाइड बाय 1000, तो दिस इज दैट राइट. That's a powerful system. Acha, khair. So that's how you get different stats on your memory. Acha, to get a snapshot of the system status at the time the command was issued, use the uptime command. Uptime ki command humne sabse pehle dekhi thi, right? Jab humne initial commands padhi thi Linux mein aate ho. तो उससे हमें क्या पता लग रहा था कि कितना टाइम हमारा सिस्टम ऑन है और स्टेटस क्या है सिस्टम का. फिर हम हार्ड डिस्क, जो हमारी स्टोरेज है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं. तो स्टोरेज स्पेस को मॉनिटर करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास डिस्क स्पेस अवेलेबल है. तो अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तो हम डिस्क पे राइट नहीं कर सकेंगे, राइट. तो डिस्क के बारे में चेक करना है कि कितनी हमारे पास अवेलेबल स्पेस है, उसके लिए वी रन द df-h कमांड. ये हमने पहले भी देखी थी. df कमांड से हमें डिस्क के बारे में पता लगता है, एंड द माइनस h मेक्स इट ह्यूमनली रीडेबल, जिससे हमें ये जो यूनिट्स होते हैं ये डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है. तो इफ यू रन द df-h कमांड, आपको कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा, जिसमें यू विल फाइंड द फाइल सिस्टम. फिर आपको ये पता लगेगा कि कितना स्पेस आपको आपका यूज हुआ है, कितना स्पेस अवेलेबल है एंड सो ऑन. इन द मॉनिटरिंग सेट स्पेसिफिक थ्रेशहोल्ड्स एट विच यू एज द एडमिनिस्ट्रेटर विल टेक एक्शन, राइट. अच्छा, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि आपके पास क्योंकि हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज योर सर्वर, यहाँ पर आपका ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको एट सम पॉइंट कभी ना कभी कुछ एक्शन भी लेने होंगे. फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं एंड इनिशियली आपके पास ट्रैफिक कम आ रहा है, तो लेट्स सपोज आप 10% सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यू मेड अ मिस्टेक कि आपने ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सर्वर स्पेस बाय किया हुआ. एनीवे, लेट्स सपोज कि आप 20% यूज़ कर रहे हैं. एज इट ग्रोज, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बढ़ती है एंड यू गेट मोर ट्रैफिक, तो आपका सीपीयू, आपकी मेमोरी, वो उसकी यूसेज बढ़ जाएगी, और आप 20% से लेके यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आप अपने सर्वर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो लेट सपोज कि जब आपकी, अगर आपका एक स्टोरेज है, आपकी कोई डिस्क है जिसके अंदर लेट सपोज आपके पास 1 TB ऑफ डेटा है, फॉर एग्जाम्पल, और आप उस पर राइट करते हैं और एट अ पॉइंट आपको कहीं ना कहीं आके डिसाइड करना होगा कि क्या आपने डिस्क को वाइप करना है, आपने आर्काइव करना है डेटा, वट मतलब कि आपके फाइल आपको जो राइट करना है, आपके पास स्टोरेज स्पेस बाकी हो, तो एट सम पॉइंट आपको कोई ना कोई एक्शन लेना होगा कि आपके पास डिस्क पे स्टोरेज हो, ठीक है. तो नॉर्मली 80% यूटिलाइजेशन पर वी मेक दैट कॉल, ठीक है. तो जैसे ही आप 80%
स्टोरेज स्पेस यूज कर लेते हैं तो कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है नॉर्मल सिचुएशन में. या तो आप आर्काइव करते हैं और जो पुराना इरेलेवेंट डेटा है उसको रिमूव कर देते हैं सिस्टम लाइव स्टोरेज से और उसको कोई टेप बैकअप पे या इन सम अदर फॉर्म ऑफ बैकअप पे मूव हो जाता है. तो इस तरह से क्या होगा कि यू विल ऑलवेज हैव स्पेस अवेलेबल और ऐसा नहीं होगा कि एप्लीकेशन चलते वक्त एकदम से कोई रह रहा है कि द डिस्क स्पेस इज फुल एंड आई डोंट हैव एनी मोर स्पेस अवेलेबल. ठीक है. अच्छा तो इफ द सीपीयू रीचेस द अलाउड थ्रेशोल्ड इन्वेस्टिगेट व्हिच प्रोसेसेस आर यूजिंग अप द रिसोर्सेज. ठीक है. तो अगर आपका सीपीयू 80% पर आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो ये आप प्रोसेसिंग पे, अब प्रोसेसिंग की बात हो रही है, तो अगर सीपीयू 80% को हिट करता है कि आपके प्रोसेसर में से जो कैपेसिटी है वो 80% यूटिलाइज हो गई है, तो नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो इतना ज़्यादा सीपीयू को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अगर कोई रेलेवेंट प्रोसेस है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं. अगर आपको इस प्रोसेस की ज़रूरत है एंड यू आर एट 80%, नाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ सेकेंड सर्वर. ठीक है. क्योंकि आप अगर इफ़ यू कैंट अवॉइड इट देन यू हैव टू लोड बैलेंस. तो एक सर्वर से अब आपका काम नहीं चलेगा, नाउ यू हैव टू गेट अ सेकेंड सर्वर और फिर आप उसको लोड बैलेंस कर दें, तो फिर 40% ऑन बोथ सर्वर्स आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. जी. और अगर आप अपने प्रोसेसेस को अगर जो प्रोसेसेस रन कर रहे हैं जो सीपीयू ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर वो क्रिटिकल नहीं है तो आप उसको प्रोसेस को किल भी कर सकते हैं. हमने किल करना सीखा था. आप उसको अगर कोई प्रोसेस जैसे कुछ आप कोई रिपोर्ट्स रन कर रहे हैं या कोई हैवी इंटेंसिव रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस चल रहा है और उसकी वजह से सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है या मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है और वो कोई टेम्प्रेरी ड्यूरेशन का है, तो देन यू कैन जस्ट वेट के हाँ ये आज के दिन में कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो वी डोंट हैव टू बी टू वरीड. ठीक है. तो यू हैव डिफरेंट एक्शंस जो आप ले सकते हैं अपने सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए. अच्छा. यूजर मैनेजमेंट. जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो यूजर अकाउंट्स लिनक्स से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, इवन अगर आपने एक ही यूजर अकाउंट क्रिएट किया हो. तो कुछ अकाउंट्स होते हैं जो लिनक्स के अंदर बिल्ट इन आते हैं. ठीक है. और ये जो अकाउंट्स होते हैं ये लिनक्स के डिफॉल्ट कुछ सिस्टम अकाउंट्स होते हैं जिनसे वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है और कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करता है. ठीक है. और डिफरेंट अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपके सिस्टम को सिक्योर रखते हैं, जिससे आपके पास फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको बचाते हैं. ठीक है. अच्छा. फिर क्या होता है कि यूजर्स और ग्रुप्स जो होते हैं, यूजर्स आपके, आप उनको ग्रुप्स के अंदर असाइन कर सकते हैं एक्सेस को मैनेज करने के लिए. तो जो मैंने इनिशियली जब यूज़र की बात कर रहा था और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको आप अपने लिनक्स एनवायरनमेंट में रेप्लिकेट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो यू कैन क्रिएट द डिफरेंट ग्रुप्स जो आपकी कंपनीज में हैं और उनके हिसाब से फाइल सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं और आपकी जो एक्सेस मैनेजमेंट है वो आसान हो जाएगी. To add, modify or delete a user group or account, you can either use the GUI or do it in the command line. ठीक है. अच्छा. GUI पे तो आप कर लेंगे, यूजर बनाना ग्रुप बनाना GUI पे तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता. आज हम लोग कमांड लाइन वाले पे काम करते हैं. और GUI पे कैसे होता है वो यू कैन डू दैट एट होम. जी यू आई का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू स्किप ओवर इट. अच्छा. हियर वी कैन डू द मैनेज यूजर्स यूजिंग द कमांड लाइन. अच्छा. अगर आपने क्रिएट करना है यूजर, तो फर्स्टली के आपको सुपर यूजर एक्सेस में होना चाहिए,
यू कैन इधर गो टू द रूट यूजर, ठीक है, और यू कैन यूज द सूडो परमिशंस. अच्छा, तो क्रिएट यूजर के लिए आपके पास एक कमांड है, टू क्रिएट द यूजर, यूजर एस बिन यूजर एड. सो दिस इज अ फंक्शन इन द लिनक्स एनवायरनमेंट. माइनस सी से आप क्रिएट कर रहे हैं यूजर, एंड देन आप एक ह्यूमन नेम असाइन कर रहे हैं कि उसका नाम क्या है, एंड दिस इज द एक्चुअल यूजर नेम, ठीक है, के जोन्स. तो इस कमांड से एक यूजर क्रिएट हो जाएगा फॉर केविन जोन्स, और केविन जोन्स का जो यूजर नेम है इट इज के जोन्स, ठीक है. तो एक यूजर आपने क्रिएट कर दिया, एक क्रिएट हो गया, बट राइट नाउ ही हैज नो पासवर्ड. तो आपको अगर पासवर्ड सेट करना है तो यू विल जस्ट एंटर द password command. So you just type in password and it will give you a couple of tries to enter your password and confirm the password. Okay, that's how it would work. To modify an account, use the user not command paired with the option. Achha. To aapke paas ये हो गया. अच्छा, एंड देन टू डिलीट द यूजर अकाउंट, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल के जोन्स का यूजर अकाउंट बना के फिर गलती हो गई और डिलीट करना है, तो यू कैन से यूजर एसपिन यूजर डेल फॉर यूजर डिलीट. तो क्रिएट करते वक्त हमने किया था यूजर एड, और डिलीट करते वक्त विल हैव यूजर डेल, ठीक है, एंड देन द यूजर नेम. तो इट विल बी यूजर एसपिन यूजर डेल के जोन्स, और आपका जो ये यूजर है इट विल बी रिमूव. अच्छा, अगर आपने यूजर ग्रुप ऐड करना है, तो ये तो था इंडिविजुअल यूजर ऐड करने के लिए या डिलीट करने के. अगर आपने ग्रुप क्रिएट करना है तो व्हाट यू कैन डू इज यूज द ग्रुप ऐड कमांड, ग्रुप ऐड, और इसमें फिर यू जस्ट गिव अ ग्रुप नेम के कौन सा ग्रुप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो लेट अगर आप एक कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं फॉर बाय द नेम ऑफ ऑफिस, तो यू कैन से ग्रुप ऐड एंड ऑफिस, तो आपके पास एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा called office, ठीक है. So you have like this group add office. अच्छा, फिर आपके पास जो K Jones का user अगर आपने बनाया हुआ है, तो आप K Jones को चाह रहे हैं कि आप K Jones को office group के अंदर add करना है, ठीक है. तो पहले क्या था, you just had a user K Jones and उसको किसी group में assignment नहीं हुआ था, तो just an individual standalone user. लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि ये जो यूजर है ये इस ग्रुप का पार्ट है, जो ऑफिस नाम है उसका, ठीक है. तो इसके लिए व्हाट यू विल डू यूजर मॉड, ठीक है, क्योंकि आप यूजर मॉड से मॉडिफाई करते हैं यूजर को. माइनस कैपिटल जी से क्या होगा, यू आर असाइनिंग अ ग्रुप, ठीक है, और फिर आप ग्रुप का नाम बता रहे हैं, ठीक है. तो आप एक यूजर को मॉडिफाई करके उसको ग्रुप में असाइन कर रहे हैं, ग्रुप का नाम बता दिया कि ऑफिस जो ग्रुप है उसमें के जोन्स को असाइन करते हैं, ठीक है. तो दिस विल एड योर यूजर टू द ग्रुप. फिर आपके पास आ गया, अगर आपको ग्रुप को डिलीट करना है तो यू कैन यूज द ग्रुप डेल कमांड, ठीक है. तो ग्रुप ऐड से हमने ग्रुप को ऐड किया था, क्रिएट किया था, और ग्रुप डेल से ग्रुप रिमूव हो जाएगा. तो फिर रन ग्रुप डेल ऑफिस, देन ऑफिस का जो ग्रुप बनाया था हमने इट विल बी डिलीटेड. एंड अगेन आप मैन कमांड यूज कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए, के व्हाट एल्स कैन यू डू विद द यूजर मॉड कमांड एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल. अच्छा, फाइल ओनरशिप. जब आपके पास कोई फाइल होती है, कोई भी फाइल आपके सिस्टम पे, तो उसका कोई ओनर होता है, राइट. हर चीज़ का कोई ना कोई ओनर होता है, अदरवाइज फिर डिस्प्यूट्स होती हैं और फिर प्रॉब्लम्स होती हैं. तो फाइल्स का भी, जो भी आपके सिस्टम के ऊपर फाइल्स हैं, उनका कोई एक ओनर होता है. नॉर्मली ओनर कौन होता है, जिसने फाइल क्रिएट की होती है, तो वो ऑटोमेटिकली ओनर बन जाता है. लेकिन आप उस ओनर को चेंज भी कर सकते हैं, आप फाइल की ओनरशिप पास भी कर सकते हैं फ्रॉम वन यूजर टू द अदर यूजर. तो अगर आप
किसी फाइल डायरेक्टरी के ओनर हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ओनरशिप चेक करनी है तो आप कैसे चेक करेंगे, ls कमांड आप याद करें, उससे हमें लिस्ट मिलती थी, राइट, लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल। ls माइनस l विद द फाइल नेम आप रन करेंगे अगर, तो इससे आपको पता लगेगा कि जो भी फाइल नेम का आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं उसका ओनर कौन है। अगर आप ये कमांड रन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी। Now, what is all of this? जो शुरू के जो ये वाले सेटअप जो कैरेक्टर्स हैं RWRWR, ये वाला जो सारा है, ये कुछ परमिशन सेटिंग्स हैं। इनसे आपको पता लगता है कि कौन इसको एग्जीक्यूट कर सकता है फाइल को, कौन इसको रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में देखते हैं आगे। जो आगे के जो पार्ट्स हैं वो क्या है कि ये के जोन्स है जो इसका यूजर ओनर है। ऑफिस का मतलब क्या है कि ये इस ऑफिस ग्रुप का पार्ट है, और बाकी आपके पास एडिशनल फाइल्स की डिटेल्स है। अच्छा, अगर आपको ये ओनरशिप चेंज करनी है, अभी के जोन्स की फाइल है ना ये, तो आपने अगर किसी और यूजर के लिए इसकी ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो यू यूज द चेंज ओनरशिप कमांड, ठीक है। चेंज ओनरशिप में फिर आप क्या करेंगे, यू विल गिव द सी एच ओन कीवर्ड, ये कमांड है। फिर इसके अंदर दो वैल्यूज आ जाएंगी कि कौन से यूजर को आपने एक्सेस देना है और कौन सी फाइल का, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल चेंज द इंडिविजुअल यूजर, के यूजर कौन है जो इसको ओन करता है, और अगर आपने ग्रुप भी चेंज करना है तो यू कैन डू चेंज ग्रुप CH, GRP, फिर ग्रुप का नाम एंड द फाइल नेम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों कमांड रन होंगी यहाँ पर, तो इट विल बिकम R Bentley स्टाफ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज ओनरशिप ऑफ अ फाइल। पासवर्ड का मैं एग्जाम कर रहा हूँ, फाइल प्रोटेक्शन। अच्छा, to protect files from unauthorized access, viewing and modifying, right? अभी हमने जो बात की थी कि आपकी organization level भी privacy होती है, कि हर किसी को हर file visible नहीं होती, right? For example, अगर मेरे पास एक payment की sheet है कि how much I'm paying all my employees, तो normal क्या होता है कि जब आपके employees होती हैं, हर किसी को अलग अलग salaries pay कर रहे होते हैं, और नॉर्मल तौर पे लोग अपनी सैलरीज की डिस्कशन आपस में उनको करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो करते हैं। लेकिन क्या होता है कि फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, अगर आपके एम्प्लॉयज़ को विजिबल नज़र आ जाए कि यार मुझे तो लाख रुपए मिल रहे हैं और मेरा जो दोस्त है बराबर में बैठा होता है मेरे, उसको 1,20,000 मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट्स गोना हैपन, वो फिर फाइट शुरू हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल। तो इससे बचने के लिए क्या होगा कि आप की जो फाइनेंस टीम होती है, जो एचआर टीम होती है, जो भी पेमेंट्स कर रहे होते हैं, दे कीप ऑल ऑफ दैट डेटा कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपने ये डेटा सबको दिखाया तो देन यू विल हैव ट्रबल ऑन योर हैंड। तो दैट्स जस्ट वन एग्जांपल, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अवेलेबल होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, लेट सपोज आपको एक कंसल्टिंग कंपनी है एंड यू आर वर्किंग विद टू डिफरेंट क्लाइंट्स, और वो क्लाइंट्स आपस में कंपेटिटर्स हैं, तो आपने NDA साइन किए हुए हैं, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्लाइंट का डेटा दूसरे क्लाइंट तक पहुँच जाए, तो यू विल हैव टू कीप बोथ ऑफ दोज सेपरेट, मेक श्योर के एक्सेस डिफरेंट रहे और एक टीम दूसरी टीम का डेटा ना देख सके, राइट। तो नॉर्मल तौर पे वी डोंट कीप द डेटा लाइक दैट ऑन द सेम सर्वर, बट लेट सपोज इट हैपेंड, तो फिर आपको इस तरीके से अगर आपने फाइल परमिशन सेट की हुई होंगी तो यू विल बी सेफ। अच्छा,
तो इन चीजों से बचने के लिए, अनऑथराइज एक्सेस से बचने के लिए आपको फाइल के ऊपर परमिशंस सेट करनी होंगी कि कौन इन फाइल्स को व्यू कर सकता है, कौन इन फाइल्स को एडिट कर सकता है, कौन अगर कोई एप्लीकेशन है कौन इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो हमने जो ये वाली कमांड देखी थी, जो ls -l कमांड थी, वी हैड द डिफरेंट ये वाले जो सबसे पहले जो डेटा आ रहा था, तो इसको देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले जो ग्रीन में आ रहा है rw, ये क्या है? ये आपको डिफाइन करता है कि जो यूजर इसको ओन करता है, ठीक है, के जोन्स, इस यूजर के ऊपर, इस यूजर के पास क्या परमिशंस हैं इस फाइल को लेकर। तो फाइल 1.txt में के जोन्स क्या कर सकता है? तो के जोन्स रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, मेक सेंस, क्योंकि के जोन्स ओनर है। अच्छा, जो ये ब्लू वाला है, ये आपके लिए आपका ग्रुप का है, ठीक है। तो इस वक्त ग्रुप कौन सा है? ऑफिस। तो ऑफिस का जो ग्रुप है, अब इससे क्या मतलब होगा कि कोई भी यूजर जो ऑफिस के ग्रुप का पार्ट है उसको ये वाला एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि वो उस ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। तो कोई भी ऑफिस ग्रुप का जो मेंबर होगा वो भी इस फाइल को रीड एंड राइट कर सकता है, अच्छा। दिस कुड बी अ प्रॉब्लम, हो सकता है कि आप सिर्फ अपने ग्रुप को रीड ओनली एक्सेस देना चाहते हैं, तो देन दिस शुड नॉट बी रीड राइट, इट शुड ओनली बी रीड। लेकिन अगर आप ये कोई शेयरेबल फाइल है और आप कोई मिलके कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो यू कैन हैव अ रीड एंड राइट एक्सेस, के कोई भी आपके ग्रुप का यूजर इसको राइट भी कर सके इसके ऊपर। एंड देन आपके पास ये जो ऑरेंज वाला है, दिस इज द ग्लोबल परमिशन, के जो बाकी के जितने भी यूजर्स हैं उनके पास क्या परमिशन है। तो इस वक्त बाकी जो ग्लोबल यूजर्स हैं, दे कैन ओनली रीड द फाइल, ठीक है, दे कैन नॉट राइट टू द फाइल। अच्छा, हमारे पास ये जितने भी है ना, इनके अंदर तीन आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यू हैव रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। तो इस केस में अभी करेंटली यूजर रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं है, क्योंकि दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट होगी तो आपके पास एग्जीक्यूट का भी ऑप्शन होगा, जो नॉर्मली उसका यूजर या उसका ग्रुप जो है वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स अवेलेबल। तो अब इसका मतलब ये तो हमने कर लिया, राइट, कि के जोन्स के पास रीड एंड राइट परमिशन हैं, ग्रुप के पास भी सेम परमिशन है, और ग्लोबल यूजर सिर्फ फाइल को रीड कर सकता है। अच्छा, अगर हमें इस फाइल परमिशन को चेंज करना हुआ तो हाउ डू वी डू इट? फाइल परमिशन को चेंज करने के लिए वी यूज दिस नंबर सिस्टम, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, टू स्पेसिफाई वैल्यू फॉर द थ्री डिफरेंट लेवल्स। थ्री लेवल्स कौन से हैं? यूजर, ग्रुप एंड ग्लोबल। यूजर कौन है? जो यूजर इसका ओनर है, ग्रुप जो इस फाइल का ओनर है एज अ ग्रुप, एंड ग्लोबल यूजर्स, तो बाकी के जितने भी यूजर्स हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये डिफरेंट परमिशंस हैं। अगर हम कहते हैं कि एक फाइल है जिसको आप रीड भी कर सकें, राइट भी कर सकें और एग्जीक्यूट भी कर सकें, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 7, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यू कैन ओनली रीड एंड राइट बट यू कैन नॉट एग्जीक्यूट, देन इट्स द नंबर 6। इफ इट्स रीड ओनली देन इट्स 4। इफ इट्स रीड एंड एग्जीक्यूट विदाउट राइटिंग देन इट्स 5। एंड इफ इट्स ओनली एग्जीक्यूट देन इट्स 1। आप किसी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन ना आप उसको रीड कर सकते हैं ना आप उस पर राइट कर सकते हैं, तो दैट इज 1। अब इसको यूज कैसे करते हैं? इसको यूज ऐसे करते हैं कि आप किसी भी फाइल का मॉडिफाई करते हैं, chmod, तो चेंज कर रहे हैं आप किसी फाइल को, और आप उसकी परमिशन सेट कर रहे हैं। ये नंबर्स क्या हैं? दीज आर द नंबर्स वी हैव सीन अबव, ठीक है, फ्रॉम दीज नंबर्स। और इसमें तीन नंबर्स क्यों हैं? बिकॉज यू हैव द यूजर, द ग्रुप एंड द ग्लोबल, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? 6 का क्या मतलब है? यू कैन ओनली रीड एंड राइट। 4 का क्या मतलब है?
you can only read, right? So you can see 6 read and write, 4 is only read. तो इसमें क्या हम कह रहे हैं कि फाइल 1.txt की हम सेटिंग्स चेंज करना चाह रहे हैं. जो यूजर इसका ओनर है वो इसको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है. जो इसका ग्रुप है वो सिर्फ रीड कर सकता है, ग्रुप के लोग इसमें राइट नहीं कर सकते. और ग्लोबल यूजर भी सिर्फ रीड कर सकते हैं, वो राइट नहीं कर सकते, ठीक है. और इस कमांड को रन करने के बाद अगर हम अगेन इसकी परमिशंस चेक करेंगे तो यू विल सी के ये जो अपडेट हो गया, राइट. पहले क्या था, दिस वाज आल्सो रीड राइट, ठीक है. तो इट्स नाउ बीन अपडेटेड टू रीड राइट फॉर द इंडिविजुअल यूजर, रीड फॉर द ग्रुप एंड रीड फॉर द ग्लोबल. तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, 6, 4, 4, रीड राइट रीड एंड रीड. तो इस तरह से हम फाइल्स के ऊपर, इंडिविजुअल फाइल्स पे परमिशन सेट कर सकते हैं. आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, फायरवॉल्स भी प्लेस कर सकते हैं, आप अपनी इंटरनेट की सर्विसेज को सिक्योर कर सकते हैं, आप फाइल्स को इनक्रिप्ट कर सकते हैं. यू हैव इनक्रिप्शन एड्रेस एंड इनक्रिप्शन इन ट्रांसपोर्ट, ये सारी डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं, लेकिन वो काफ़ी एडवांस हो जाते हैं, ठीक है. तो अभी बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और ये हमारा फोकस भी नहीं है, वी आर नॉट ट्राइंग टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स. हमने इतना देख लिया है कि वी नो व्हाट द एडमिनिस्ट्रेटर्स काइंड ऑफ डूइंग इन चीज़ों के लिए इनिशियल लेवल पे. बाकी के जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो हमारे स्कोप में नहीं है, ठीक है. तो ये हमारी हो गई जो यूज़र मैनेजमेंट टाइप की चीज़ें. Now let's do the scripting stuff. अगर break की ज़रूरत है, I can give like a 5-minute break here. Yeah, हम continue कर सकते हैं. Okay, let's just continue. अच्छा, chapter 9, last chapter. इसको complete करते हैं, फिर we'll be done with Linux. ठीक है. ओके, इंट्रो टू स्क्रिप्टिंग. अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं वो सारी काफ़ी मैनुअल थी, राइट. के वी राइट अ कमांड एंड उसी वक्त हम कमांड लिखें और उसी वक्त रिस्पांस आता है. स्क्रिप्टिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि हम पहले से कोई कमांड्स एक फाइल में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है. तो हमने एक स्क्रिप्ट फाइल होती है, बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल टाइप की चीज़ होती है, और उसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, एंड वो हम एक फाइल में सेव कर लेते हैं और वो बाद में हम कॉल कर सकते हैं और जो भी फाइल में कमांड्स हैं वो रन हो जाती हैं, ठीक है. अच्छा, हमने अब लिनक्स के एनवायरनमेंट देख लिया है और क्या यहाँ पर स्क्रिप्टिंग में, क्योंकि हम हैवीली टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो टेक्स्ट एडिटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है. ऑलरेडी मैंने आपको VI के ऊपर तो काफ़ी काम आपने VI के ऊपर ही किया है, आई थिंक सारा. कुछ लोग होंगे जो प्रॉबेबली प्रोज हैं तो वो और भी डिफरेंट एडिटर्स यूज़ कर रहे हैं. तो आपके पास VI है जो डिफ़ॉल्ट है. अच्छा, ज़्यादातर ये यूज़ होता है इंडस्ट्री में, एडमिन ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं. और अगर आप किसी एग्जाम एनवायरनमेंट में जाएंगे तो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू बी अवेलेबल, ठीक है. बाकी जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, हो सकता है आप इंस्टॉल कर सकें, हो सकता है आप नहीं कर सकें. तो यू शुड ऑलवेज बी कम्फर्टेबल यूजिंग VI. अच्छा, अगर VI नहीं यूज़ कर रहे तो देन यू हैव Emacs, और इट्स अ वेरी पावरफुल एडिटर बट बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, तो आई वुडंट गो देयर राइट नाउ. यू हैव पीको, इट्स लाइक अ सिंपल वर्जन ऑफ Emacs, ठीक है. तो Emacs में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं एंड पीको में कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं. एंड देन यू हैव नैनो. अच्छा, नैनो इज़ अ गुड टूल एज वेल, ठीक है.
ठीक है, तो आई यूजली यूज वी आई, लेकिन नैनो इज अ गुड ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो आपको आई रिकमेंड कि आप नैनो भी यूज करें और वी आई भी यूज करें, देयर बोथ गुड, बट मेक श्योर कि आप वी आई पे तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं। और आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? डाउनलोड करने के लिए आपको पता है कि यूबंटू पे व्हाट यू विल डू, सूडो एपीटी इंस्टॉल वी आई और नैनो, राइट? तो वी आई या विम आपको अच्छी तरह से पता है। वी आई की जो कमांड्स हैं वो क्या है, यू हैव ओ के आप जो इंसर्ट कमांड के अंदर है, आप नेक्स्ट लाइन पर आना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज द ओ। वैसे आप अगर अपडेटेड इस पे चल रहे हैं, विम अगर आपने अपडेट किया हुआ है, यू शुड ऑलवेज अपडेट टू द लेटेस्ट वर्जन, तो दिस इज काइंड ऑफ आउटडेटेड, आप एंटर की से भी नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं। आई की इज इम्पोर्टेंट क्योंकि नॉर्मली जब वी आई की कोई फाइल खुलती है तो इट्स ऑन रीड ओनली मोड, और आप आई कमांड प्रेस करते हैं तो आई ऑन योर कीबोर्ड, तो फिर आप इंसर्ट मोड में आ जाते हैं, देन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट। अगर आपने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया एंड यू वांट टू अंडू द चेंज, तो यू हिट द एस्केप बटन एंड यू की से आप अंडू कर सकते हैं। एस्केप करने के लिए, इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए यू यूज द एस्केप बटन। और अगर आपने अपनी चेंजेस को सेव करके क्विट करना है, तो यू हैव अ कपल डिफरेंट मेथड्स। यू हैव एस्केप के बाद जब आप रीड मोड पे आ जाते हैं, तो यू हिट द कोलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन, तो यू राइट एंड क्विट। ठीक है, तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा तरीका जो शॉर्टकट है, तो इट्स ओनली द कोलन विद द एक्स एंड दैट ऑल्सो वर्क्स। चलें तो ये एक ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, देन आई हैव अ कपल मोर एग्जांपल्स शेल स्क्रिप्ट के। तो अ स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्राम दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय अ शेल और कंपाइल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो एक प्रोग्राम है, इट्स नॉट जस्ट अ टेक्स्ट एनीमोर। एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम डेटा को सेव करके अपने लिए सेव करते हैं कि हम उसको रीड कर सकें, राइट? एक स्क्रिप्ट कोई प्रोग्राम है जिसको हम रन करते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ कमांड्स होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं, तो इनको हम शेल स्क्रिप्ट्स कहते हैं, बिकॉज ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कोई शेल के अंदर हम रन करते हैं। अच्छा, तो दीज आर लिनक्स के अंदर हम करें तो दीज आर लिनक्स शेल स्क्रिप्ट्स। ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट्स हम रन करते हैं वो बैश में हम रन करते हैं। ठीक है, अच्छा, बैश क्या है? बैश एक यूनिक्स की शेल स्क्रिप्टिंग फंक्शनैलिटी है जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाई वी विल गो विद बैश। अच्छा, स्क्रिप्ट्स आर यूजफुल इन ऑटोमेटिंग एंड सिंप्लीफाइंग एडमिन टास्क। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी टास्क ऐसे होते हैं ना जो रिपेटेटिव होते हैं, बार बार हमें करने होते हैं और काफी मैनुअल होते हैं, उनको हम एज अ स्क्रिप्ट में पूरा प्रोग्राम करके अपने पास रख लेते हैं, और जब वो काम करने की टाइम टाइम आता है तो वी हैव अ कमांड स्क्रिप्ट रेडी, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इट जस्ट डज एवरीथिंग। ठीक है, तो इसलिए ये स्क्रिप्टिंग बड़ी पावरफुल चीज़ है। अभी हम इंट्रो लेवल पर हैं, तो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल। सो टू बिगिन विद, आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी, तो वी कैन वर्क विद वी आई और नैनो। अच्छा, तो फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स विच शेल विल बी यूजिंग, तो दिस इज अ सिंपल शेल। तो दिस इज यूजिंग द बॉर्न शेल। लेट्स मेक अ सिंपल स्क्रिप्ट, एंटर द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ स्क्रिप्ट, save the simple script dot sh. अच्छा, ऐसे करते हैं,
ये करते हैं. अच्छा इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ एंड देन विल विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड. तो वी क्रिएट अ फाइल विद vi. यहाँ पे वी आर गिविंग इट नेम सिंपल स्क्रिप्ट डॉट एस एच. लेट मी फाइंड माय फोल्डर राइट. मैं फोल्डर में आ गया अपने. लेट्स सी नाउ. सो वी आर क्रिएटिंग अ सिंपल स्क्रिप्ट डॉट एस एच फाइल विद vi. ओके सो सिंपल स्क्रिप्ट डॉट एस एच. ठीक है. Now we're in VI, and I'll switch to insert mode. And acha, hume yahan par kuch text ki zarurat hai. So I'll just move this text over. So pehli line kya hai? We're telling it that it's a shell script. So uska syntax hai. Okay. Acha. So now we know it's a shell script. And let's say pehli line kya hai? Echo. My name is $1. Okay. There's second line. Echo. I'm using Linux distro. Okay. $2. And today is okay. $3. Acha. So ye hamara टेक्स्ट आ गया. ये मैंने राइट कर दिया. ओके तो मेरे पास सिंपल स्क्रिप्ट के अंदर शेल स्क्रिप्ट आ गई. इसके अंदर मैंने तीन लाइंस ये कमांड में दे दिए. ओके तो मैंने राइट कर दिया. अच्छा इस वक्त अगर मैं इस फाइल की परमिशन चेक करूं ls-l सिंपल स्क्रिप्ट तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो फाइल परमिशन है वो क्या है. रीड राइट मेरे यूज़र पे. तो आई एम आदिल जो मेरा यूज़र है. मेरा ग्रुप है आई दिस स्टाफ ग्रुप. तो आई कैन ओनली मेरा ग्रुप में अगर कोई यूज़र है तो दे कैन ओनली रीड दिस फाइल. और ग्लोबली एनी यूज़र कैन ओनली रीड द फाइल. इस वक्त कोई भी इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सक रहा. तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊंगा आई विल प्रोबेबली गेट एन एरर और आई शुड गेट एन एरर. ठीक है. अच्छा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा. एग्जीक्यूट करने के लिए आई हैव दिस कमांड डॉट स्लैश सिंपल स्क्रिप्ट डॉट एस एच. और फिर ये तीन वैल्यूज क्या हैं. यहाँ पर जो हमारी हमारी जो फाइल है जो कमांड है इसके अंदर यू सी दिस $1, $2, and $3. दीज आर इनपुट वेरिएबल्स. हम यहाँ पे कुछ इनपुट ले रहे हैं. पहला इनपुट दूसरा इनपुट एंड तीसरा इनपुट. और हो क्या रहा है कि हम इस पूरी लाइन को एको कर रहे हैं. एको से क्या होगा कि जो हमने इनपुट दिया है वो ही आउटपुट में आएगा हमारे पास. अच्छा तो होना क्या चाहिए यहाँ पे थियोरेटिकली. पहली लाइन में माई नेम इज ये पूरा एको होगा पूरी लाइन. माई नेम इज कोलिन. और इस वक्त मुझसे ये एक इनपुट ले लेगा कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए इसकी जगह. तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जो भी पहली पहली वैल्यू मैं ऑप्शन में दूंगा वो इधर आ जाएगी. दूसरी वैल्यू इधर आ जाएगी. तीसरी इधर आ जाएगी. राइट. तो आई शुड हैव मैं जब इसको रन करूँ तो मुझे रन कमांड के साथ साथ तीन वैल्यूज प्रोवाइड करनी है फॉर ईच ऑफ दीज डिफरेंट लाइन. अच्छा तो आई हैव दिस डॉट स्लैश सिंपल स्क्रिप्ट डॉट एस एच. अब मुझे यहाँ पर तीन वैल्यूज देंगे. तो माई नेम इज आदिल. ठीक है. आई एम यूजिंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन Ubuntu. अब मैं तो Ubuntu यूज नहीं कर रहा. मैं तो मैक यूज कर रहा हूँ मैक OS. और टुडे इज व्हाट इज टुडे. टुडे इज सैटरडे. ठीक है. तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मेरे पास एरर आ गया परमिशन डिनाइड. तो परमिशन डिनाइड क्यों आया. बिकॉज आई डोंट हैव एग्जीक्यूट प्रिविलेज. राइट. अच्छा अब मुझे एग्जीक्यूट प्रिविलेज अगर चाहिए तो आई हैव टू गो बैक और मुझे उस चार्ट पे देखना पड़ेगा कि मेरे पास फाइल परमिशंस में हाउ डू आई गिव द एग्जीक्यूट
execute I can get with 7. उसमें मुझे read, write and execute तीनों functions मिल जाएंगे. Or I can have read and execute with 5. Or I can have execute only with 1. तो मैं तो file का owner हूँ, तो I should use the read, write and execute. So what I'll do, I can have so I can have 7 jo mere mere individual user ke liye, I'll have 7. Then I'll have jo baki ke users hain, mujhe sirf unko read permission deni hai, so that's 4, right? So I'll just do 7 4 4 7 4 4. Okay. And then I'll give it to the simple shell script. Okay. तो इस वक्त मैंने क्या किया, मैंने चेंज कर दिए मॉडिफिकेशन यूजर प्रिविलेजेस की. मैं इस वक्त रीड राइट एंड एडिट एग्जीक्यूटिव कर सकूंगा एंड एवरीवन एल्स कैन ओनली रीड दिस फाइल. ठीक है, तो ये अब मोड चेंज हो गया. मैं इसको दोबारा से रिव्यू कर लेता हूँ. तो यस, देयर यू गो, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट आ गई मेरे पास परमिशन. अब अगर मैं दोबारा से ये वाली कमांड रन करूं, ये वाली, तो इट शुड वर्क नाउ. ओप्स, क्या हुआ भाई? ये क्या गड़बड़ हो गई? अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल व्हाइल लुकिंग फॉर मैचिंग. फाइल तो मैंने सही किया भाई. प्रॉबेबली ये मेरे मैक की वजह से हो रहा है, क्योंकि इट्स अ शेल स्क्रिप्ट, ये लिनक्स फ्रेंडली नहीं है. होपफुली आपके पास चल रहा हो. किसी ने ये ट्राई किया अपने सिस्टम पे? इट शुड वर्क ऑन यूबंटू एटलीस्ट. बैश नहीं है ना ये, असल में बैश फाइल अगर मैं चलाऊंगा तो वो चल जाएगी. दिस इज अ लिनक्स शेल स्क्रिप्ट, तो इसलिए शायद आई थिंक मेरे पास प्रॉब्लम हो रही है. कोड्स में अगर एंटर करूं, an unexpected file. Yeah, I don't know. मेरे ख्याल से this is the Mac issue. तो try the same thing on Ubuntu, it should work. File, ये जो file end of file वाली जो चीज होती है ना, ये between different versions of the स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में ये आ जाता है. तो अभी एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें बैश यूज करता हूँ, तो दैट शुड वर्क फाइन फॉर मी. राइट, तो ये तो हमारी बुक की चीजें हो गई. ये वाली जो लास्ट वाली स्क्रिप्ट है, दिस आई वांट यू गाइस टू ट्राई एज अ होमवर्क असाइनमेंट. ठीक है, मैं जो हूँ दूसरी बैश की कुछ स्क्रिप्ट्स आल्सो चला के दिखाता हूँ. राइट, इसको मैं एग्जैक्टली, सो मैं ये वाली जो
कमांड है ना एज अ बैश में रन करके देखता हूँ, दैट शुड वर्क होपफुली। तो अभी मैंने जो वी आई की जो स्क्रिप्ट है मेरी, दिस इज इन अ शेल स्क्रिप्ट फॉर लिनक्स, मैं इसको अब यूनिक्स की जो बैश फॉर्मेट है उसके ऊपर ट्राई करता हूँ, दिस शुड वर्क बेटर फॉर मी। ठीक है, तो कम बैक टू इंसर्ट मोड एंड दिस विल बी अ बैश। ठीक है, तो नाउ वी आर नॉट डूइंग अ लिनक्स शेल स्क्रिप्ट, नाउ वी आर इन अ यूनिक्स बैश स्क्रिप्ट। ये ज़्यादा यूनिवर्सल है तो इसलिए दैट्स व्हाई वी नॉर्मली प्रेफर बैश। अच्छा, नाउ वी कैन से दीज डिफरेंट थिंग्स। तो एको मैं करूँ लाइक दिस। ठीक है, तो इस पूरी चीज को मैं कोट्स में ले आऊंगा। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अगर तो I hope this works now. So there you go. So bash mein bash is compatible with the Mac. Jo Linux ki jo pure shell scripting hai wo Mac friendly nahi hai. So now we're kyunki ab hum bash mein aa gaye the to bash is working. तो दिस इज़ वाई आई वुड एडवाइज के जो भी हम स्क्रिप्टिंग के काम करें वो बैश में करें, क्योंकि वो फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म भी काम चल जाता है। तो जहाँ पर भी यूनिक्स लाइक फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट हमारी चलेगी। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या किया है कि वी हैव दिस स्क्रिप्ट और इट्स अ बैश स्क्रिप्ट। बैश मीनिंग के यूनिक्स इन्वायरमेंट में चलती है। फिर तीन स्टेटमेंट्स मैंने एको किए हैं और तीन मैंने इनपुट वेरिएबल्स यहाँ पर ऐड कर दिए। दिस इज हाउ यू डू अ सिंपल बैश स्क्रिप्ट। हाँ, बिकॉज आप अगर मैक पे कर रहे हैं या आप लिनक्स पे कर रहे हैं? Interesting. Share करो. I don't know why it's not working on my side. मैं stop share करता हूँ. Try it. And this is working for you? हाँ, मैं देख रहा हूँ। सही है। यार बेहतरीन, इसके पास चल रहा है, मेरे पास नहीं चल रहा। तो देर यू गो। इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो कि फिर व्हाई इज इट नॉट वर्किंग ऑन माय साइड। इसको मैं चेक करता हूँ, मे बी देयर इज अनदर इशू। थैंक यू। अच्छा, तो एक तो ये सिंपल एग्जांपल हो गया एंड लेट्स सी अ कपल ऑफ मोर। अच्छा, बैश जो है ना, दिस इज अ वेरी पावरफुल, आप समझें एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आई है, राइट? अभी हमारा पूरा ये स्कोप नहीं है कि हम पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, बट वी शुड अंडरस्टैंड के हाउ इट वर्क्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स निकाले हैं।
pass return value from a script make directory. कुछ हम यहाँ से examples try कर लेते हैं ताकि here you go. Add two numbers. You can do the arithmetic operations of bash in different ways. How can you add two integer numbers in bash using double brackets is shown in the following script. बैश में हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं यूजिंग द रीड ऑप्शन. ठीक है, हमने डॉलर साइन से भी किया था और यू कैन ऑल्सो यूज द रीड ऑप्शन. तो यहाँ पर क्या है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि एक इनपुट ले रहे हैं और एक वैल्यू में हम सेव कर रहे हैं. तो इट्स लाइक असाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल. तो हम बैश स्क्रिप्ट अगर क्रिएट करते हैं एंड इट्स लाइक अ कैलकुलेटर काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो ये आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स क्रिएट दिस वन. ये अच्छा है, कौन साइड कर देते हैं बिकॉज़ वी डन विद इट. अच्छा, यहाँ पर हम एक और क्रिएट करते हैं, एड नम डॉट एस एच. ठीक है, अच्छा, तो दिस इज नाउ गोइंग टू बी अनदर बैश स्क्रिप्ट. ठीक है, तो इट्स अ बैश. अच्छा, फिर हम दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं. तो व्हाट विल डू, पहले हम दोनों नंबर्स को इनपुट की तरह से लें. तो फर्स्ट विल डू इंस्ट्रक्शन देंगे कि हम एको कर रहे हैं कि फर्स्ट इनपुट नंबर, फिर हम रीड करेंगे वी कैन सेव दैट इन वैल्यू एक्स एंड देन वी कैन से सेकंड इनपुट नंबर and then we input in y. ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, यूजर से हम दो इनपुट ले रहे हैं, पहला नंबर x में स्टोर कर रहे हैं, दूसरा नंबर y में स्टोर कर रहे हैं. तो वी मेड टू वेरिएबल्स. फिर हम क्या करना चाह रहे हैं कि वी वांट टू क्रिएट अ न्यू नंबर जो x प्लस y की वैल्यू. ठीक है, तो इसका सिंटैक्स है वी यूज डबल ब्रैकेट्स और इसके अंदर वी विल हैव the formula. So we'll have double brackets sum x plus y. तो यहाँ पर हमने ये असाइनमेंट कर लिया. तो पहले हमने x की वैल्यू ली, y की वैल्यू ली एंड वी एडिड द टू और वो सम के अंदर अब हमारी वैल्यू सेव हो गई. अच्छा, अब हमने सम को डिस्प्ले करना है. तो what we'll do, this result of addition dollar sum. डॉलर सम क्यों हो रहा है, बिकॉज सम हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया. तो ये हमें इनपुट वैल्यू नहीं देनी होगी, इट विल यूज इट फ्रॉम द मेमोरी. ठीक है, तो विल डू एको. राइट, एको और क्या है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन कुछ टेक्स्ट है इक्वल्स. तो हम ऐसे कर सकते हैं, आई थिंक हमें पूरा टेक्स्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेट्स जस्ट डू डॉलर सम. ठीक है, so this should give us the answer ke jo x and y ki value hum provide kare it will give us the it will give us the value. So let's save this and let's run this. Permission denied again. Kyun permission denied hai, because we didn't so see input first number pe ab ye ruk gaya, it's waiting for me to give a number, so let's give it 2. Input second number, let's give 2 again, so value aa gayi meri 4. To ab aap dekh sakte hain ki we built a simple addition calculator using a bash script. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम देखें,
फॉर लूप वाइल लूप वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक. अपेंड टू अ फाइल हो सकता है आई थिंक. ये हम कर सकते हैं. ये हम कर सकते हैं. ये इतनी सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो लेट्स डू दिस. एक स्क्रिप्ट बनाते हैं. अपेंड फाइल शेल. सॉरी को बिफोर एंड आफ्टर करना है हमने. तो सबसे पहले हम कैट कर रहे हैं एंड वी विल गेट अ कैट फाइल टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी कर देता हूँ. अभी ये फाइल हमें क्रिएट करनी होगी और फिर हम कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे इस फाइल के अंदर. तो वी कैन से एको न्यू टेक्स्ट और ये हम अपेंड कर रहे हैं. एक सिंगल ग्रेटर देन साइन से हम एक फाइल में आउटपुट करते हैं. टू ग्रेटर देन साइन से हम किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ये टेक्स्ट ऐड करते हैं. तो वी टू दीज एंड देन टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी. ठीक है. Or then we'll just do the after echo after, and then get text.txt. ठीक है. तो this should से क्या होगा. First we need the फाइल यहाँ पर हम नॉर्मल बनाते हैं. एम्प्टी फाइल कर देते हैं. ठीक है. तो इस वक्त हमारे पास text.txt में we just have this empty file text sitting there. फिर मैं इसको 44 permission apply करनी है and then we can execute this file. Sorry. .slash तो आप देख सकते हैं पहले बिफोर इट वाज जस्ट एम्प्टी फाइल. आफ्टर क्या हुआ. एम्प्टी फाइल प्लस न्यू टेक्स्ट. इसको मैं अगेन रन करूंगा अगर तो इट विल बी बिफोर क्या था एम्प्टी फाइल प्लस न्यू टेक्स्ट. आफ्टर क्या हुआ एम्प्टी फाइल न्यू टेक्स्ट एक और न्यू लाइन. मैं एक और फिर से रन करूंगा. नाउ यू हैव थ्री न्यू टेक्स्ट. फिर से रन करूंगा इट विल हैव फोर. तो दिस इज अ सिंपल स्क्रिप्ट जो कुछ टेक्स्ट ऐड कर रही है किसी भी फाइल के अंदर. ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों से. किसी को अगर शौक हो तो दे कैन गो थ्रू द होल बैश प्रोग्रामिंग. लेकिन दिस इज ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा एट दिस स्टेज. ये होगा यू विल हैव टू डू दिस एट सम पॉइंट. लेकिन राइट नाउ अभी ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा करने की. क्योंकि ये वाला जो सिंटैक्स है ना ये काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा. क्योंकि इट हैज़ लाइक it's not easy to follow for beginners. तो इसको हम आगे चल के जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह कर चुके होंगे and will know how programming works फिर इसको revisit कर सकते हैं. लेकिन कुछ लोग आप में से होंगे जो ये कर सकेंगे तो उनके लिए ये मैं लिंक शेयर कर दूँ. तो that's it. ये हमारी लिनक्स की completion हो गई है. तो होपफुली इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर लें और आगे चल के फिर हम कल से फिर हम डॉकर पे काम शुरू करते हैं. कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो वी कैन.
Yes, Sajid. हेलो वालेकुम सलाम, आवाज बहुत हल्की आ रही है. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत हल्की आ रही है, लग रहा है कि बहुत दूर से बैठ के बात कर रहे. आई थिंक टेक्स्ट कर दो क्योंकि आई कैंट हियर यू. एनीबडी एल्स कोई क्वेश्चन है? जी सर, मुझे ये पूछना था कि ये जो बिन और ये जो हम बिन एसएच और बिन बैश यूज कर रहे थे, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एसएच जो है वो लिनक्स के ऊपर चल रही होती है, जो हम जो बैश कर रहे हैं ना वो यूनिक्स की जो भी फाइल सिस्टम यूज करते हैं ना, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वहां पर बैश अप्लाई हो सकती है और बैश के अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, तो दैट्स व्हाई वी आई प्रेफर कि आप बैश पे काम करें. सर, और सेकेंडली ये कि सर मेरे पास जो वी आई की कमांड है ना, ये वीडियो टेक्स्ट एडिटर की, तो ये मेरे पास ना चल नहीं रही है, इंस्टॉल नहीं हो रही. मैंने सूडो एपीटी इंस्टॉल करके भी किया तो वो कह रहे हैं कि इसकी अपडेट फाइल्स मौजूद नहीं है. शायद मेरे पास वर्जन का मसला है, 18.10 यूज़ कर रहा हूँ उबंटू का. 18.10 पॉसिबल है, लेकिन वीआई में तो इशू नहीं होना चाहिए उसके. तो वो जी सर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो मैं फिर वैसे कैट करके मैं जी एडिट कर रहा हूँ फाइल्स को. एपीटी को अपडेट भी करना होता है, तो पहले वो भी ट्राई कर लो, एपीटी अपडेट या अपग्रेड होता है क्या. अच्छा चलें, ठीक है सर. साजिद का क्वेश्चन क्या है? सर उबंटू ठीक है कि मैक लिनक्स ठीक है? डिपेंड करता है प्रेफरेंस के ऊपर. मुझे फील होता है कि मैक ज़्यादा डेवलपर फ्रेंडली है, लेकिन उबंटू भी ठीक है. सर्वर पे तो लिनक्स चल रहा होगा, ठीक है ना? मैक में ये होता है कि हमें लिनक्स का काफ़ी क्लोज एनवायरनमेंट मिल जाता है और डेवलपर टूल्स बहुत अच्छे हैं. मैक का फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है. I guess I probably मुजाहिद के पास मैक है, वो अग्री करेगा कि मैक पे काम करना जो है वो काफी बेहतर लगता है. सर जी, सर मुझे पूछना था कि डॉकर के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस अभी देंगे कि इसे डाउनलोड करें या इंस्टॉल करना है? की जो क्लास होगी वो डॉकर की हमारी इंट्रोडक्शन टाइप की होगी, लेकिन हाँ अगर आप लोग इंस्टॉल कर लें डॉकर तो दैट वुड बी ग्रेट. उबंटू पे बहुत सिंपल है डॉकर को इंस्टॉल करना, यू जस्ट हैव अ सिंगल कमांड, तो आप डॉकर को इंस्टॉल करके आ जाए. ठीक है सर. साजिद कोई मसला नहीं है, यूबंटू बेहतरीन है, इसीलिए यूबंटू सेलेक्ट किया. एप्पल खरीदना है तो खरीद लो, कॉस्टली पड़ता है बस ये है, लेकिन यूबंटू फ्री है. अच्छा मोहम्मद